हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बर्नॉलीज प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस बर्नॉलीज प्रिंसिपल की डे टू डे वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सी इलस्ट्रेशंस हैं ये प्रिंसिपल हद से ज्यादा यूज होता है और इसकी बहुत सी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट वन इज एटमाइजर आप सबने ये इस तरह का फिनोमिना होता हुआ देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में करते क्या है यहां पे आप एक चीज बर्नॉलीस प्रिंसिपल में एक बात हम मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं कि हमने क्या सीखा था वी लर्न प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं थोड़ा साइड पे रख रहा हूं ठीक है मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक ही Uh, एक ही हाइट की बात हो रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी बात करने की जरूरत नहीं है फिर वो ऑलरेडी कांस्टेंट है उसको क्यों बोलें ठीक है तो उसको कांस्टेंट के साथ मिक्स कर देते हैं तो अल्टीमेटली प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विलॉसिटी डैट मीन द समेशन ऑफ प्रेशर एंड विलॉसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब इसी के ऊपर सारी एग्जाम्पल्स हैं मतलब जहां आप प्रेशर बढ़ाओगे जहां पे विलोसिटी ज्यादा होगी नॉर्मली मैं आपको बताता हूं जो इसकी एग्जांपल्स हैं जहां पे विलॉसिटी तेज हो जाएगी वहां पे प्रेशर डाउन हो जाएगा वहां पे प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा ये आपने समझना है इस बात को अब ये एटमाइजर है इसके अंदर हम जबरदस्ती कैसे बढ़ाते हैं आप रबर का बैलून देख पा रहे हो यहां आप रबर का बैलून यहां देख पा रहे हो जिसको प्रेस करके जिसको प्रेस करके यहां पे क्या किया एयर की वेलोसिटी बढ़ाई आपको दिख रहा है एयर की वेलोसिटी इस पाथ में बढ़ाई गई इस पाथ में इसको प्रेस करके जब एयर की वेलोसिटी पड़ेगी तो यह प्रेशर डाउन हो जाएगा जब यह प्रेशर डाउन होता है यहां पे, जब यहां पे प्रेशर डाउन होगा तो नीचे का प्रेशर यानी कि जो यहां पे प्रेशर है वो बढ़ गया यहां पे जो प्रेशर है वो बढ़ गया और प्रेशर के बढ़ने के कारण यह लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है इसको नीचे से प्रेशर पड़ता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है मैं आपको रीड करके बता देता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी एक एक लाइन पढ़ते हैं इसकी अच्छे से द वर्किंग ऑफ एटमाइजर विच इज यूज टू स्प्रे लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन बर्नॉलीज प्रिंसिपल फिगर शोज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एटमाइजर वेन द रबर बैलून इज प्रेस द एयर रश इज आउट ऑफ द हॉरिजोटल ट्यूब बी डिक्रीजिंग द प्रेशर टू पी टू उसके कारण उसका प्रेशर कम हो जाएगा विलॉसिटी जैसी बड़ी प्रेशर कम हो जाएगा विच इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर पी वन वन में जो प्रेशर है वो कौन सा है पी वन एटमोस्फेरिक प्रेशर एज अ रिजल्ट द लिक्विड राइज अप इन द वर्टिकल ट्यूब ए उसकी वजह से यहां से जो प्रेशर है वो राइज करना शुरू होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा लो प्रेशर जोन में वेन इट कोलाइड्स विद हाई स्पीड एयर इन द ट्यूब इसके साथ जब वो कोलाइड करेगा तो यहां से स्प्रे बाहर निकलेगी यहां से स्प्रे बाहर निकलेगी मान लो यहां पर आपने कुछ भी डाला हो ठीक है तो इस तरह से इट ब्रेक्स अप इन टू द फाइन स्प्रे ये छोटे छोटे स्प्रे आपको दिखाई देती है क्योंकि हाई स्पीड है ना यहां पे एयर इसकी वजह से इसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसकी डायनामिक लिफ्ट ठीक है डायनामिक लिफ्ट और मैग्नेस इफेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस मैग्नेस इफेक्ट इस मैग्नेस इफेक्ट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको लेके भी जो बॉल है ना आपकी जब ये अगर इसको स्पिन करो इसको घुमाओ इसको घुमाने से क्या होता है इसके यहां पे कुछ हवा फ्लो कर रही थी एयर ऊपर भी है नीचे भी है इसके घूमने से ये वाली एयर जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है डैट मीन्स कि ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है नीचे प्रेशर कम हो जाता है मतलब ऊपर का प्रेशर पी वन, नीचे का प्रेशर पी टू पी बढ़ जाएगा कंपेरिटिवली किससे टू से इसलिए इस बॉल को ऊपर से प्रेशर फील होता है ऊपर से प्रेशर फील होता है और ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ आती है सेम इफेक्ट यूज किया जाता है क्रिकेटर्स बॉलर से अगर कोई क्रिकेट फैन हो आप में से तो उसको अच्छा लगेगा ये सुनने में मैं जो बताने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना स्पिनर्स जो है ना स्पिनर्स इनकी एक बड़ी खासियत होती है जो स्पिन बॉलर्स होते हैं लाइक like जैसे अभी एक सीरीज भी चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलियन वहां पे अश्विन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडियन टीम तो उसमें क्या होता है कि वो क्या बॉलिंग का क्या इशू रहता है उसका कि सिर्फ हम सोचते हैं कि स्पिनर जो है वो बॉल को टर्न करता है नो उसका एक उससे ज्यादा तगड़ा इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं उसकी क्या होता है स्पिनर का मैं बताता हूं वो जब बॉल डालता है ना वो जब बॉल इधर लैंड करती है ना इसके बाद उसने टर्न करना है बॉल ने फाइन तो बैट्समैन की क्या एबिलिटी रहती है हमेशा कि उसकी कोशिश क्या रहती है आई मीन टू से ये बैट है मान लो कि वो उसको इसको पढ़ते ही इसको स्प्रिन करने का मौका ना दे उसको जैसे ही यहां पढ़ी वहां से हिट कर दे ठीक है अब होता क्या है स्पिनर बड़ा चलाक होता है स्पिनर क्या करता है इसको घुमा के बेचता है बॉल को बॉल घूमती घूमती आ रही है बॉल जो है वो घूमती स्पिन करती हुई आती है वो अपने फिंगर्स को यूज करके इन 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 बॉल्स को क्या करता है स्पिन है स्पिन घुमाता और घुमाने के कारण अभी मैंने क्या बताया बॉल जब घूम रही होती है उसके उसके यहां से जो एयर है 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 उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ जाती घूमने के कारण ऊपर कम यानी यहां प्रेशर पड़ता है तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना जो जहां से बॉल आ रही होती है तो बैट्समैन को क्या लगता है कि बॉल जो है वो इधर गिरेगी लेकिन वो गिर पहले जाती है प्रेशर के कारण ऊपर से उसको को इसी ये डिसीव करता है इसको बोलते हैं डिसीव करना डिसीव इन फ्लाइट इसको बोलते हैं डिसीवड इन फ्लाइट मैंने बोला क्रिकेट फैंस को ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा बाकियों को नहीं भी समझ आ रहा तब भी चलेगा हमारे पास एक एग्जाम्पल तोड़ना है पर नॉलेज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए बड़े इसकी बहुत सी हैं आप बड़े अच्छे से इन सब चीजों को बड़े अच्छे से सीख सकते हो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी आपको आप देखो तो ये जो ये जो ट्रजेक्ट्री उसकी चेंज हुई ना अब जो बैट्समैन है वो फील कर रहा है वो अपना तो वो तैयार बैठा है कि मैं इसको हिट करने का लगाऊं वो सोच रहा है कि बॉल इधर गिरेगी वो यहां से हिट कर देगा उसको टर्न करेगी नहीं बॉल कर जाती है यहां पे डाउन और उसके जो बैट पे जो उसका मिडल पे हिट करनी चाहिए थी ना वो करती है ऊपर हिट और उसके कारण कैच आउट होता है वो दिस इज अ सिंपलर वे टू एक्सप्लेन यू दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ठीक है जितने भी अच्छे स्पिनर रहे हैं शेन वॉन हरभजन सिंह करंट टाइम्स में आपका आ गया अश्विन दे यूज दिस वेरी वेल डिसीव इन एयर इसको बोलते हैं डिसीव इन एयर उनकी बॉल जो है वो डिप कर जाती है We call it dip कर गई. Dip करने का मतलब यही है कि हम सोच रहे थे कि आगे गिरेगी मेरे पाओं के पास गिरेगी गिरी वो थोड़ी और पहले मुझे लगा था जहां से वहां मैं तैयार बैठा था उसको हिट करने के लिए लेकिन वो उससे पहले ही होगी और हमने उसको हिट कर दिया ऊपर और इसकी वजह से, से उसके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मैं इसको रीड करता हूं जो यहां लिखा है डायनामिक लिफ्ट इज अ फोर्स डेट एक्ट ऑन अ बॉडी सच एज एरोप्लेन विंग हाइड्रोफॉइल आर स्पिनिंग बॉल बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू अ फ्लूड फ्लूड मतलब यहां एयर है मैं जो अभी एग्जाम्पल आपको दे रहा था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्व्ड पाथ ऑफ अ स्पिनिंग बॉल मैं एक और आपको बात बताता हूं एक और चीज फुटबॉल में भी देखने को मिलती है क्या कि गोल यहां होता है हिट बॉल को किया जाता है यहां से हिट ऐसे किया जाता है इसको ना बॉल को हिट किया जाता है थोड़ा साइड से यहां हिट फ्रंट ऑन नहीं किया जाता ठीक है यहां से साइड से हिट किया जाता है और साइड से हिट करने के कारण यह बॉल घूमती है और घूमती है तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाता है देखो मैंने उल्टा बना दिया यह बॉल इसको अगर मैं यहां से हिट करूं तो होगा क्या यह बॉल घूमेगी ठीक है जो हिट करने वाला जो यहां खड़े हैं जो इसको रोकने के लिए खड़ा है गोलकीपर और अदर प्लेयर्स उनको क्या लग रहा है कि इसने हिट किया तो यह बॉल सीधी जाएगी ठीक है लेकिन होता क्या है कि ये बॉल घूम रही है घूमने के कारण हवा में जब घूमती है तो घूमने के कारण यहां इसका विलॉसिटी ज्यादा बढ़ जाती है अगर इस डायरेक्शन में घूमे तो इस डायरेक्शन में घूमे तो यहां विलॉसिटी बढ़ गई यहां विलॉसिटी कम हो गई एयर की जहां विलॉसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और अल्टीमेटली ये बॉल ऐसे करके कर्व्ड पाथ लेती है इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बॉल बैंड लाइक बेकम ठीक है तो इसलिए इसलिए इसको इस तरह से देखा जाता है और ये ये बॉल इस तरह से कर्व्ड पाथ ले लेती है तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल दो दो स्पोर्ट्स की एग्जाम्पल दी हैं ठीक है तो जिसके थ्रू हम अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं इसके आगे भी रीड करता हूं वेन अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजोंटली लार्ज विलोसिटी एंड एट द सेम टाइम गिविंग गिवन अ ट्विस्ट मोशन ट्विस्ट मोशन हो गया स्विंग करना उसको इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स यूजल पैराबोलिक जो हमें लगता था कि ये इसकी पैराबोलिक प्रजेक्ट्री होगी वो नहीं होती है वो क्यों क्योंकि मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया इसको रीड करो आप खुद ठीक है इसमें कुछ नहीं है ऐसा ये देखो यहां पे बताया भी है इस इफेक्ट के बारे में रीड रीड ऑल दिस जितना भी यहां लिखा हुआ है इसको अच्छे से करो इफ़ यू फाइंड डिफिकल्ट वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास इसी तरह से बर्नॉलिस प्रिंसिपल के ऊपर ही जो आपका एरोप्लेन को एयरलिफ्ट मिलती है वो भी इसी वजह से मिलती है एरोफॉइल इज द नेम गिवन टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट शेप टू प्रोवाइड अ अपवर्ड वर्टिकल फोर्स इसके कारण अपवर्ड वर्टिकल फोर्स मिलती है किसी भी उसकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि उसको Aerofoil क्या है इज द नेम गिवन टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट शेप्ड उसकी शक्ल ऐसी है टू प्रोवाइड एन अपवर्ड वर्टिकल फोर्स एज इट मूव्स हॉरिजोंटली थ्रू एयर दिस अपवर्ड फोर्स डायनामिक लिफ्ट मेक्स एरोप्लेन्स फ्लाई एज शोन इन द फिगर ये देखो ठीक है इसकी शेप यहां ऐसी बनाई है जो नॉर्मल एयर जब फ्लो करती है तो यहां से इस, ये, इसके कर्व्ड नेचर के कारण यहां से जो स्पीड है एयर की वो बढ़ जाती है और यहां पे नीचे स्पीड कम है इसलिए यहां से प्रेशर बढ़ जाता है और इसको ऊपर की तरफ अपवर्ड लिफ्ट मिलती है सब कुछ यही लिखा हुआ है इसको अच्छे से रीड करना है आपने नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट मैं एक बार रीड करता हूं आपके लिए एश ऑन इन द फिगर टेन पॉइंट थ्री एट द सेक्शन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग Of an aeroplane looks like an aerofoil. Aisa lagta abhi aapko. The wing is so designed that its upper surface is more curved and hence longer than the lower surface and the front edge. Is broader than the rear edge as a as, as the aircraft moves, the air moves faster over the over, over the upper surface of the wing than in the bottom. According to the Bernoulli's principle, the air pressure above. the upper surface decreases below the atmospheric pressure and that on the lower surface increases above the atmospheric pressure the difference in the pressure provides a upward lift called dynamic lift to the aircraft ठीक है तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं इसके बाद आ गया आपका ये एक और एग्जांपल ये भी बड़ी ज्यादा बात की जाती है इस चीज को लेके आप पढ़ो blowing of roof during the windstorm during the windstorm क्या होगा देखो ये आपकी रूफ है ठीक है इसको क्या होता क्या है यहां से जब एयर फ्लो करती है एयर की डायरेक्शन फ्लो करने की ये है ये डायरेक्शन है एयर के फ्लो करने की इधर से नीचे से ऐसे अच्छा नीचे तो नीचे तो जगह ही नहीं है फ्लो करने के लिए इसलिए नीचे तो फ्लो करेगी नहीं अंदर तो ना फ्लो करेगी हवा ठीक है जो हवा फ्लो कर रही है वो तो ऐसे हाई स्पीड एयर यहां से फ्लो करती है अब हाई स्पीड एयर फ्लो करती है तो यहां पे प्रेशर फॉल कर जाता है और अंदर का प्रेशर तो उतना ही है जितना था पहले तो कंपैरेटिवली अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और होता क्या है होता क्या है इसको एक नीचे से अपवर्ड पुश मिलता है और अगर ये विलोस्टीज़ बहुत ज़्यादा हो एयर के ऊपर तो प्रेशर उतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा और नीचे अंदर वाला प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपैरिजन करो ऊपर वाले के साथ तो कई बार ये वजह इस तरह की रूफ्स होती है ना जो ये जो सॉलिड ये जो इस तरह से जो हम नॉर्मली जम्मू में आपको देखने को मिलता है उस तरह की रूफ्स नहीं मैं नहीं उठती कभी भी लेकिन इस तरह की जो आपकी जो ऐसे एरियाज जो विंटर जोन में रहते हैं वहां पे उस तरह की रूफ्स होती हैं कि उनमें नीचे से प्रेशर ज्यादा लगता है और अल्टीमेटली ये जो है, रूफ्स हैं वो ब्लो ऑफ कर जाती हैं ठीक है तो ड्यूरिंग द सर्टन विंड स्टॉम और साइक्लोन द रूफ ऑफ सम हाउसेज आर ब्लोन ऑफ विदाउट डैमेजिंग द अदर्स पार्ट्स ऑफ और कुछ नहीं होगा घर को सिर्फ हवा सिर्फ वो रूफ उड़ जाएगी द हाई विंड

वीडियो रह गया था ये बर्नॉलेज प्रिंसिपल का तो ये मैंने आपको बता दिया बर्नॉलेज प्रिंसिपल की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं तो एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं और एलस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं हम इसको तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपकी जिसके जिसमें हमने बर्नॉलीज प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से ये काम करता है तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको इसके साथ ही बता दूँ इसी तरह से हमने सरफेस टेंशन की भी कुछ एग्जांपल्स इससे अगले वाले वीडियो जो इससे पिछला वीडियो आपको भेजा था उसमें हमने डिस्कस की थी तो इस तरह की फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर आपको बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं उसमें से सर्फेस टेंशन और नॉलेज प्रिंसिपल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो इसके ऊपर कोई भी टू मार्क्स के क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस की इस पर कोई भी एक सर्टन कोई भी कंसेपच्चुअल टू मार्क्स या थ्री मार्क्स का क्वेश्चन बड़े आराम से पूछा जाए जा सकता है कुछ भी करके इस तरह से कि क्यों रूफ्स को ब्लो ऑफ हो जाती है एटमाइज़र का प्रिंसिपल क्या है काम करने का एरोफाइल क्या होता है कहाँ कैसे बर्नॉलिज प्रिंसिपल यहां लगता है तो एक तो डेरिवेशन है ही इसकी इंपॉर्टेंट और ये सब चीजें भी इसके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है थैंक यू वेरी मच